हेलो एंड वेलकम टू ए के स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले 16 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारा कोट फॉर द डे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का कोट फॉर द डे है अल्बर्ट श्यूविट्ज़र से। ओके, तो ये कौन थे? ये नोबेल प्राइज विनर है। ओके, पीस में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये कहते क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये कहते क्या है, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हो इसका मतलब नहीं कि आप हैप्पीनेस पा लोगे। अगर आप हैप्पी हो देन यू विल गेट सक्सेस, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। आगे पढ़ते हैं हम, इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। अगर जो चीज आप कर रहे हो आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो आजकल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर भी बहुत चर्चा होती है न्यूज़पेपर्स में, तो हो सकता है कि अपना ऐसे उस टॉपिक पे आए। ठीक है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ऐसे जो कोट्स होते हैं स्पेशली फ्रॉम दीज पावरफुल पीपल, तो इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। ठीक है, तो ऐसे कोट्स को आप, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बुक मेंटेन कीजिए और उसमें ये कोट्स सारे लिख लेना। ओके, क्विकली विल गो टू आवर डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, तो पहला वर्ड है इब। इब मतलब होता है घटना, कम होना। ओके, हम लोग उसका सिनोनिम्स देखेंगे, इबिंग, वेन। ठीक है, वेन होना मतलब भी कम होना होता है। इब अवे, इब डाउन, इब ऑफ, इब आउट। ठीक है, एब एब भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। वर्ब देखेंगे, फॉल अवे और डिक्लाइन। ओके, घटना या कम होना या डिक्लाइन या फॉल अवे, दीज आर द सिनोनिम्स। जैसे द पेशेंट्स स्ट्रेंथ एब्ड अवे, मतलब उसका स्ट्रेंथ जो था पेशेंट का धीरे 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 कम होने लग गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन होता है या दोस्ती होता है, राइट। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल और कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन अ पैक्ट और ट्रीटी। एक ऑर्गेनाइजेशन या लोग, ठीक है, एक पैक्ट या ट्रीटी में जुड़े हुए हैं, इसे हम लोग गठबंधन भी बोल सकते हैं अलायंस को बेसिकली। ओके, सिनोनिम्स देखो इसके क्या है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट और कोएलिशन। ओके, ये रिपीट हो गया बट स्टिल अलाइनमेंट या कोएलिशन हम बोल सकते हैं या गठबंधन या दोस्ती, इस तरीके से भी आप याद रखो। ओके, अलायंस को। नेक्स्ट देखो हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, ठीक है, या प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल, दीज आर द वर्ड्स। तो हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे अनफ्रेंडली, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय एनिमिटी और इल इविल। ठीक है, दुश्मनी से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, इसका मतलब हॉस्टिलिटी या हॉस्टाइल का। ओके, जैसे अ हॉस्टाइल नेशन, जैसे पाकिस्तान इज आर हॉस्टाइल नेशन। ठीक है, इज अ हॉस्टाइल नेशन। नेक्स्ट देखो ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब पूरी तरीके से कवर्ड। ठीक है, कवर कंप्लीटली और मेक इम्परसेप्टेबल। ओके, मतलब दिखना नहीं सामने वाले को, पूरी तरीके से ढक दिया, छुपा दिया किसी को। ओके, तो तब हम लोग बोलते हैं ओवरवेल्म। ओके, सिनोनिम आएगा ड्राउन या सबमर्ज्ड। ठीक है, ड्राउन या सबमर्ज्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंडोर्स। एंडोर्स करना मतलब उसको सपोर्ट करना या उसको समर्थन देना। ठीक है, तो समर्थन, जैसे हमारे जो एक्टर्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई शैम्पू प्रोडक्ट को एंडोर्स किया, किसी ब्रांड को उन्होंने एंडोर्स किया, मतलब उसका समर्थन देते उसको, राइट। तो हम लोग देखेंगे टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट टू एग्रीमेंट टू अ प्लान स्टेटमेंट डिसीजन। ओके, बेसिकली आप पब्लिकली कह रहे हो कि किसी एक एग्रीमेंट को, ठीक है, या प्लान को या किसी स्टेटमेंट को या डिसीजन को आप ऑफिशियली सपोर्ट करते हो, मतलब आप एंडोर्स कर रहे हो। ओके, इधर प्रोडक्ट भी लिख दो तो भी एक हो जाएगा, एक ही बात होगी। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैंडिशमेंट। ओके, ब्लैंडिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट मतलब किसी की तारीफ करना। तारीफ मतलब कुछ ज्यादा ही, चाटुकारिता जिसे हम लोग कहते हैं, कि बहुत ज्यादा ही तारीफ करना है। ठीक है, फ्लैटर करना उसको, फ्लैटरिंग जिसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा तारीफ करना। ओके, नाउन द एक्ट ऑफ अर्जिंग बाय मींस ऑफ टीजिंग और फ्लैटरी। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लैंडिशमेंट। सिनोनिम देखो वीडिंग, विडलिंग। ओके, तारीफ करते रहना किसी की बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हम देखेंगे फ्लैटरी इंटेंडेड टू पर्सुएड। मतलब फ्लैटरी क्या करता है, इंटेंड करता है किसी को पर्सुएट करने के लिए। ओके, उसकी इच्छा क्या होती है फ्लैटरी की, कि सामने वालों को मैं अपने काम के लिए मना लूँ, उसको परस्यू करो। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस। नेक्स्ट देखिए हम लोग सेसेशन। सेसेशन मतलब होता है अलग होना, टूट के अलग होना। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे नाउन देखेंगे इसका, फॉर्मल सेपरेशन फ्रॉम एन अलायंस और फेडरेशन। फॉर्मली जब आप एक अलायंस से अलग होते हैं तो आप सीसीड हो जाते हो, या सेसेशन जैसे बोला जा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स में विड्रॉल, अलग हो जाना। जैसे हम कश्मीर में देखते हैं कि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज अपने को दिखती है कश्मीर में, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर, तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस में। पहला है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल अगर बोला, सो प्लीज गिव मी द डेफिनेशन और प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन अ नटशेल, और प्लीज गिव मी द आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इन
नटशेल। नटशेल में बोला मतलब एक जनरल, मतलब छोटे, वेरी ब्रीफ फॉर्म में तुम बता दो मेरे को, ब्रीफ फॉर्म मतलब छोटे फॉर्म में। ओके, हश मनी, हश मनी मतलब वो पैसा होता है जो हमने किसी को चुप करने के लिए रखा है। जैसे आप, आपका कोई घर में छोटा भाई बहन है और आपको कुछ पता है, उनको आपके बारे में कुछ पता है, राइट, तो आप उन्हें बोलते कि अरे ये ले 10 रुपए या चॉकलेट ले और कुछ बोल मत, हश मनी, ठीक है, मतलब चुप करने के लिए किसी को, राइट। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट। ओके, हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट मतलब हम सबको पता होगा, नहीं पता होगा ध्यान दो, गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस, बड़ा सक्सेस, ग्रेट सक्सेस मिलना। ओके, नेक्स्ट देखो, टेक इनटू अकाउंट मतलब टू कंसिडर, इफ यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट समथिंग दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग दैट थिंग, उसको आप कंसिडर कर रहे हो, उसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो। ओके, मतलब टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट देखो, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, मतलब लेट्स से आई एम सेइंग समथिंग दैट आई एम सेइंग दैट टुमारो द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू कोलैप्स, बट व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम आल्सो एडिंग अ वर्ड दैट प्लीज टेक माय सेंटेंस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में आप शक रखो कि मे बी ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा बोलता है ना जब कि थोड़ा सा हमें 1% का डाउट रहता है, तो उस जगह पे हम बोलते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, या पिंच ऑफ सॉल्ट भी बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हमारे क्विकली हमारे पैराग्राफ के ऊपर, राइट। पैराग्राफ क्या है, 15 मंथ्स आफ्टर द क्लैशेस बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन सोल्जर्स इन द गालवन वैली, इंडिया चाइना रिलेशनशिप आर देयर लोएस्ट एब इन लिविंग मेमोरी। क्या हो गया, इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप था आफ्टर गालवन वैली क्लैश के बाद, सबसे कम, लोएस्ट एब मतलब एकदम कम पॉइंट में अभी आके रह गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, टेंशन बढ़ गए इंडिया चाइना में। टू बी श्योर There have always been political tensions even before. ठीक है, पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में political, इंडिया चाइना में political tensions थे, both over each country's territorial claims, over land controlled by the other, and over such long-term problems as China's all-weather alliance with our hostile separated sibling Pakistan and our hospitality to the Dalai Lama who was granted refuge when he fled to Tibet in 1959. क्या था जो अपने बीच प्रॉब्लम थे ना, ये पहले से चलते हैं, और दो तरीके के प्रॉब्लम इंडिया और चाइना में, देखो बोथ, दो तरीके के प्रॉब्लम्स। क्या है कि पहले क्या है, अपना जो टेरिटोरी का प्रॉब्लम है कि अपन बोलते कि अरुणाचल प्रदेश अपना है जो कि है, और चाइना बोलते नहीं वो हमारा है, अक्सर जिनको लेके भी हमारा ये झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है, तो ये जो इशू है ये चलते ही आ रहा है। ओके, ये तो कॉमन इशू है, उसके साथ दूसरा क्या इशू है, हमारा ऑल वेदर इशू जो चाइना के साथ है, हमेशा रहने वाला इशू कि चाइना है ना अलायंस करके बैठा है, दोस्ती करके बैठा है, गठबंधन करके बैठा है, किसके साथ, जो हमारा हॉस्टाइल नेशन है, कौन है हमारा हॉस्टाइल नेशन, वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके बैठा है, और ये भी दूसरा एक प्रॉब्लम है हमारे बीच में, और इसके अलावा अभी ये गलवान वाला एक प्रॉब्लम शुरू हो गया। ओके, विद दैट हमने ये भी किया है कि हमने दलाई लामा को इंडिया में रिफ्यूज दे के रखा है। नाउ बट नीदर कंट्री हैड अलाउड दीज टेंशन टू ओवरवेलम देम, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने, नीदर कंट्रीज, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने ये टेंशन जो थे ना, उससे दोनों ने खुद को कवर नहीं कर लिया था, बाकी भी चीजें वो कर रहे थे, ऐसे नहीं कि बस झगड़ा कर रहे, हमने बिजनेस ट्रेड वेड भी किया है बहुत सारा, राइट। चाइना हैड डिक्लेयर दैट द बॉर्डर डिस्प्यूट कुड बी लेफ्ट टू फ्यूचर जनरेशन टू रिजॉल्व, एंड इंडिया हैड एंडोर्स्ड द वन चाइना पॉलिसी, रिफ्यूजिंग टू सपोर्ट द टिबेट सेसेशनिज्म व्हाइल लिमिटिंग ऑफिशियल्स रेवरेंस फ्रॉम द दलाई लामा टू हिज स्टेटस एज अ स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। तो इंडिया और चाइना ने क्या किया था, एक एक स्टेप पीछे लिया था। चाइना बोला था कि जो हमारा टेरिटोरी का इशू है ना, लैंड का इशू, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम छोड़ देंगे, हमारे आगे का जनरेशन उसको सॉल्व करेगा। और इंडिया ने इसके बदले में क्या किया था, इंडिया ने भी क्या बोला कि हम वन चाइना को मानते हैं, और जो ताइवान है, ठीक है, बेसिकली उसको हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है, टिबेट को और इवन ताइवान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। टिबेट और ताइवान जैसे कंट्रीज को हम लोग कंसिडर नहीं करते, हमारे लिए वन चाइना, चाइना एक ही, इसको हमने मान लिया। और दूसरी बात हमने क्या किया कि हमारा जो रेवरेंस है, हमारा जो रिस्पेक्ट है, वो दलाई लामा को लेके, बस उसको एज ए स्पिरिचुअल लीडर ही इंडिया ने माना है। इंडिया ने उसको, दलाई लामा को अभी तक एक पॉलिटिकल लीडर करके नहीं घोषित किया, जस्ट एज ए स्पिरिचुअल लीडर। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती चल रही थी, बट अभी चीजें बदल रही है। आगे हम पढ़ते हैं, इंडिया हैज यूजुअली शोन नो डिजायर टू रॉक द बोट, its action and statements have usually been designed not to provoke our northern neighbor, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है, रॉक द बोट करना मतलब मैंने बताया था, ठीक है, idiom phrases में बताया था, चीजों को हिलाया नहीं, ठीक है, हमने खुद से इनिशिएटिव लेके ये जो फाइट है, ये जो इशू है, उसमें हमने ज्यादा कोई बड़ा मतलब कोई बड़ा चेंज लाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। और हमने हमेशा क्या किया, हमने प्रोवोक नहीं किया, हमने खुद होके हमारे नेबर को उंगली नहीं किया, ठीक है, उनको प्रोवोक नहीं किया।
बट टू रेलीगेट द बॉर्डर प्रॉब्लम टू द बैक बर्नर वाइल एनेबलिंग ट्रेड रिलेशन विद चाइना, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया, रेलीगेट करना मतलब पीछे डाल दिया, ठीक है, कम स्टेटस दे दिया। किसको कम स्टेटस दे दिया, अपने बॉर्डर प्रॉब्लम को कम स्टेटस दे दिया, उसको बैक बर्नर पर रख दिया। बैक बर्नर पर रखना मतलब क्या होता है, किसको कम स्टैंडर्ड दिया, उसको कम स्टेटस दिया, बाकी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, राइट, वाइल एनेबलिंग ट्रेड रिलेशन, और अपने ट्रेड रिलेशन को उन्होंने एनेबल किया, उसको बढ़ावा दिया, राइट, विद चाइना। और ये जो ट्रेड रिलेशन है वो कितना है, नाउ वर्थ क्लोज टू $100 बिलियन। ओके, इंडिया मेड इट क्लियर दैट इट वॉज अनविलिंग टू ज्वाइन इन एनी यूनाइटेड स्टेट्स लेड कंटेनमेंट ऑफ चाइना। इट्स ट्रेडिशनल ऑब्सेशन विद परसीव प्रिजर्विंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आफ्टर टू सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल रूल मेड इट वेरी ऑफ द ब्लैंडिशमेंट ऑफ द वेस्ट। तो इंडिया ने और एक चीज कर दी, इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने, अमेरिका लेड मतलब अमेरिका के क्या बोलते हैं उसको, कमांड के अंदर जो भी कंटेनमेंट प्लान बन रहा है चाइना के अगेंस्ट, उसमें हम पार्टी नहीं बनेंगे। ओके, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया का जो स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ऑफ ऑटोनॉमी, हम लोग बिकॉज दो सेंचुरीज 200 साल हम लोग ब्रिटिश के अंदर थे, और ऐसे कहा जाता है इंडिया के ऊपर कि वो होने के बाद 200 साल अपने ब्रिटिश के कंट्रोल में रहने के बाद इंडिया ने क्या किया, देखो यहाँ पे सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल रूल मेड इट वेरी ऑफ द ब्लैंडिशमेंट्स ऑफ द वेस्ट। तो ये 200 साल के बाद इंडिया को अभी ऐसा हो गया है ना कि उनकी तारीफ, ब्लैंडिशमेंट मतलब उनकी फुकट की तारीफ किसकी, वेस्ट की, वो इंडिया नहीं करता है अभी, मतलब वो जो बोलेगा उस तरीके से नहीं चलते, हमारा हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखे, मेंटेन करके रखे, राइट। आयरॉनिकली बिफोर गालवान 2020 वॉज सपोज टू बी अ लैंडमार्क ईयर फॉर द टू कंट्रीज, ठीक है। गालवान होने के पहले 2020 जो इंडिया का ईयर था, इंडिया चाइना का, ये एक लैंडमार्क ईयर था, बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए एक बहुत अच्छा ईयर था। इन अक्टूबर 2019 इन महाबलीपुरम एट देयर 18th मीटिंग इन द 9 ईयर्स चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड ग्रैंडली प्लेज्ड टू टेक रिलेशंस बिटवीन देयर टू कंट्रीज टू ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। बस ये गालवान होने के पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, वो लोग मिले थे, ठीक है, वो मिले थे, उन्होंने चाइना इंडिया को डेवलप करने की बातें करी थी। टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज दे अनाउंस दे वुड कंडक्ट 70 जॉइंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फर्दर इंप्रूविंग देयर बॉजोइंग ट्रेड, supporting scholarly research into their ancient civilization links, and even exchanging military delegations in a grand show of Sino-India cooperation. तो हम लोग अच्छे ट्रेंड पे जा रहे थे चाइना और इंडिया के रिलेशंस 2020 में, और उसके बाद गालवान हो गए और सारी चीजें कुछ प्रॉब्लम में चली गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे आज के पैराग्राफ थे, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इज मैं पैराग्राफ को जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट उन्हें अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, ताकि आप तुरंत लिंक कर सको कि मैंने जो मीनिंग बताया था उसका और पैराग्राफ के वर्ड का, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कर दोबारा मिलेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।